Hello and welcome. We all are fighting with Corona, but I won't allow it to stop the study of my students. So let's start. Today our topic is motion in a plane, two-dimensional. We have already discussed projectile motion. When anything is thrown in space that is under gravity, that moves under gravity alone, that is projectile. So, I have shown the trajectory of angular projectile motion like this. We discussed this topic in detail. Now, in two-dimensional motion, motion in a plane, there may be other constraint. Just like you can see here, you can see the shape of this figure, that is ellipse. So, if a body is made to move on the circumference of the path of this perimeter of this ellipse, then what will be the radius of curvature at these points? Like you can be asked to find the radius of curvature at this point, radius of curvature at this point. You can be asked. In the same way, here in this two-dimensional motion plane, here the velocity of the body is given by this equation. And here A and B are constant. So it means AI means velocity of body along x-axis is constant. But velocity of body along y-axis is variable, depends upon x. Jitna yahan x ki taraf body jayegi, utna iski speed increase hoti jayegi. So it is different from that projectile motion. Projectile motion mein to kya tha? Speed ghatti jati thi upar ki taraf. And there was an acceleration g. तो यहां पे भी एक्सेलरेशन होगा लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, हाउ कैन वी कैलकुलेट, यू कैन बी आस्क्ड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस ट्रैजेक्टरी, दिस इज पैराबोलिक इन नेचर. तो इसकी क्या इक्वेशन होगी, इस किसी भी पॉइंट के ऊपर यू कैन बी आस्क्ड व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, और किसी भी पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना होगा, एंड वेलोसिटी कितनी होगी, एवरीथिंग एनीथिंग कैन बी आस्क्ड. सो हाउ विल यू टैकल सच प्रॉब्लम्स, आई टेल यू थ्री पॉइंट्स, देयर आर थ्री स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप डिस्प्लेसमेंट, सेकंड स्टेप वेलोसिटी, थर्ड स्टेप इज एक्सेलरेशन. सो इफ देयर इज टू डायमेंशनल मोशन, सो डिवाइड दिस इनटू टू सेपरेट पार्ट्स, डायमेंशंस वन एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस. लेकिन स्टेप्स वही तीन रहेंगे, कौन कौन से, फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट एक्स से, वाई एक्सिस में वाई से. उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज वेलोसिटी, वी एक्स से लिखेंगे, अलोंग वाई एक्सिस दैट इज वी वाई, डी वाई बाई डी टी. देन अगेन डिफरेंशिएशन, डी वी एक्स बाई डी टी दैट इज ए एक्स, एंड हेयर ए वाई विल बी डी वी वाई बाई डी टी. तो दीज आर दी थ्री स्टेप्स. इफ एनीथिंग यू थ्रो जस्ट अपवर्ड, सो ओनली दिस सिचुएशन विल यू कैन कंसिडर ओनली मोशन अलोंग वाई एक्सिस. तो कैसे टैकल करेंगे इन प्रॉब्लम्स को, आई टेल यू इन डिटेल. सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम दिस सिचुएशन, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि v दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पे हमें खुद डिस्प्लेसमेंट खुद निकालना पड़ेगा. तो आई स्टार्ट जस्ट लेट्स टेक, यहाँ पे a का मतलब क्या है, दिस इज वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, तो हमें क्या दिया हुआ है, वी एक्स इज इक्वल टू a, ये दिया हुआ है, और इधर वी वाई दैट इज इक्वल टू बी एक्स. अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो दिस इज डी एक्स बाई डी टी दैट इज ए, और इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गई. तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस डिपेंड अपॉन टाइम, टाइम बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है, तो धीरे धीरे ये बॉडी इधर जाती जाएगी, लेकिन साथ में ऊपर की तरफ भी जा रही है, स्लोप बढ़ता जा रहा है. तो लेट्स डील दिस साइड, तो यहाँ पे वी वाई है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे अलोंग वाई एक्सिस, तो दिस डी वाई इज बी वाई इज डी वाई बाई डी टी दैट इज डी एक्स. अब यहाँ पे वाई और एक्स में रिलेशन निकालना है हमने, तो ये यहाँ पे एक्स है तो हमें वेरिएबल डी एक्स चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे,
dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड डजंट मैटर. और dx by dt व्हाट इज दिस, दिस इज vx और vx की वैल्यू क्या है हमारी a, तो इसलिए और ये dx इधर चला जाएगा तो दिस इज v into dy इज इक्वल टू bx into tx. ये vx है, ये dx upon dt और vx की वैल्यू क्या है a, तो यहां से हमारा इसको a लिख सकते हैं हम फर्दर, तो ये इसके नीचे चला जाएगा तो दिस इज y इज इक्वल टू dy या dy इज इक्वल टू b अपॉन a x dx और यहां से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी दैट इज b अपॉन a इनटू x स्क्वायर बाय 2. सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ दिस ट्रेजेक्ट्री यहां पे, और यहां क्लियर है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर और स्लोप बढ़ता जा रहा है यहां पे, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है एंड इट इज पैराबोलिक इन नेचर. बट यू आर आस्क्ड सपोज फाइंड द रेडियस एट दिस पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर. अगर सर्कुलर पाथ है हमारा तो उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर तो फिर बिल्कुल सिंपल है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ac इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन r, दैट r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इज दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर. लेकिन यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रही है तो कैसे निकालेंगे, व्हाट विल बी अवर अप्रोच. तो इसके लिए इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लिया ये जो है दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी है वो अलोंग दिस टेंजेंट होगी तो वेलोसिटी की भी डायरेक्शन वही होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाली. तो ये जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है अगर ये निकाल लें और वी निकाल लें तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल आएगा. तो इसलिए हम यहाँ पे इसको My approach will be first I will find this an and that is equal to v square upon r. ये है main हमारा, हमें ये r निकालना है तो we have to find v and an, ये दोनों निकालने पड़ेंगे. तो हम यहाँ लिख लेते हैं जो हमें values पता है, हमें पता है vx is equal to a और यहाँ से x is equal to at हम निकाल चुके हैं this one. अगर इसका differentiate कर दूं फिर दोबारा double differentiate third step along x axis, तो इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ax ये कांस्टेंट है तो जीरो, तो ये तीन स्टेप हमारे कवर हो गए अलोंग x एक्सिस. अब y एक्सिस के, y एक्सिस में भी ऐसे ही लिख सकते हैं हम, इसका फिर डिफरेंशिएट कर दो अलोंग y एक्सिस vy इज इक्वल टू bx, इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट सिंगल डिफरेंशिएट vy है तो दैट इज ay दैट विल बी इक्वल टू b into dx by dt और dx by dt क्या है हमारा vx और vx क्या है a, तो दिस विल बी a. मैं इसको एक स्टेप लिख देता हूं vx दैट इज इक्वल टू b into a. तो इसका हम एक्सेलरेशन जो है इसमें भी कांस्टेंट है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में g था कांस्टेंट लेकिन इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन था इसलिए बॉडी वापस नीचे आ रही, इसमें वापस नीचे आने का कोई मतलब नहीं, तो ये सीधी ऊपर जाएगी. इट मे बी हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन भी हो सकती है. नाउ हाउ कैन वी फाइंड दिस ए एन एंड बी, वी इज वेरी सिंपल, जस्ट वी इज दिस वेलोसिटी, सो इसको हम रिजोल्व कर देते हैं दो कंपोनेंट्स में अलोंग एक्स एक्सिस वी एक्स एंड अलोंग वाई एक्सिस वी वाई और इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं. तो यहां से ये वी को क्या लिखूंगा मैं, v square is equal to vx square plus vy square. Clear? Okay. अब ये vx पता है हमें, यहां से vx is equal to a. This is a square. vy यहां से, इसमें ये रहा vy. bx और x is equal to at, तो मैं इसको bx, x की वैल्यू पुट करके इसको लिख दूंगा. This is b into x at, sorry. bx x is at, तो b at whole square. So this is v square, a square, you can take it common, that is 1 plus bt whole square, this one. ये v square की value आ गई हमारी. Now only this task is left, an. ये कैसे निकालने हैं? इसके लिए क्या करें हम? पहले ये देखो, किसी भी point पे अगर हम x एक्सिस का एक्सेलरेशन निकाल लें टोटल, इसके कंपोनेंट्स ले लें अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस और फिर ये देखें कि x एक्सिस में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, दैट इज जीरो, y एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है नेट ba, तो
टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर ले। मैं यहां पे कर रहा हूं, इसको मैं दोबारा यहां ड्रॉ कर रहा हूं। ये पॉइंट था हमारा, ये था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये था नॉर्मल एक्सेलरेशन, और ये था हमारा एक्स एक्सिस और ये था वाई एक्सिस, और ये एंगल थीटा लिया है हमने। ये थीटा है तो ये एंगल भी डेफिनेटली थीटा ही होगा। ओके, ये हमारा यहाँ पे ओरिजिन था। अब देखो इसका ये कंपोनेंट इधर वाला कितना हो गया, ए टी कोस थीटा, और इसका जो है दूसरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ क्या आएगा, ए टी साइन थीटा। अब ए एन को भी रिजोल्व करो दो कंपोनेंट्स में, अपर साइड तो आएगा इसका ए एन कोस थीटा और इस साइड आएगा ए एन साइन थीटा। अब अलोंग एक्स एक्सिस में देखें तो नेट एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, इट मींस दिस इज इक्वल टू दिस। तो एक इक्वेशन तो हमारी यहां से आ गई, दैट इज ए एन साइन थीटा दैट इज इक्वल टू ए टी कोस थीटा। क्लियर, यहां से हमें ए एन निकालना है तो ए टी की वैल्यू को पुट करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में। नेक्स्ट इक्वेशन कहां से आएगी, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा, ये तो ये रहा ए टी साइन थीटा और दूसरा क्या है ए एन कोस थीटा, ऐड कर दो दोनों को, ए एन कोस थीटा प्लस ए टी टेंशियल एक्सेलरेशन साइन थीटा दैट इज ए वाई, और ए वाई कितना है हमारा, दैट इज बी इंटू ए, ये कॉन्स्टेंट है। हमें ए एन चाहिए तो ए टी को इन टर्म्स ऑफ ए एन लिख देंगे यहां से। अभी लिखता हूं मैं ए एन कोस थीटा प्लस ए टी की वैल्यू पुट करनी है यहां से, दैट इज ए एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, एंड साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दिस इज बी इंटू ए। ओके, अब इसको मैं रब कर देता हूं यहां से, और ये हमने निकाल लिया ये वैल्यू, और यहां से ए एन को कॉमन निकाल लो, तो एलसीएम कोस थीटा लेंगे तो ऊपर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन आ गया, तो वन अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू बी इंटू ए, और यहां से ए एन की वैल्यू आ गई बी ए कोस थीटा, ये आ गई। लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है क्योंकि कोस थीटा वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, लेकिन निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, हम पुट कर सकते हैं कैसे। यहां देखो हमें वी एक्स पता है और वी वाई पता है और ये थीटा है, तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई अपॉन वी एक्स, और वी वाई वी एक्स हमें यहां पता है ऑलरेडी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। तो वी एक्स कितना है हमारा ए, और वी वाई कितना है बी एक्स, तो वी वाई को बी एक्स लिखेंगे और वी एक्स कितना है ए, और x की वैल्यू फिर वही यहां से at जो स्टार्टिंग में निकाली थी, तो x इज इक्वल टू at, तो ये bat डिवाइडेड बाय ये कैंसिल हो गया, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई bt। अब tan थीटा की वैल्यू अगर पता है किसी ट्रायंगल में तो cos थीटा निकालने में कितना टाइम लगता है, तो इसलिए cos थीटा की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं इजीली। अगर ये थीटा है तो tan थीटा bt है तो bt तो ये 1 होगा, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा bt होल स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट, तो यहां cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन दिस। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब इसको, a n इज इक्वल टू ba into cos थीटा दैट इज 1 अपॉन दिस, द 1 प्लस bt होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये a n की वैल्यू आ गई। नाउ ऑलमोस्ट जॉब इज ओवर, तो यहां a n की वैल्यू पुट कर देंगे, v हमें पहले ही पता है ये, और यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं हम। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी कितनी होगी, आई एम जस्ट राइटिंग यहां पे r इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ए एन, वी स्क्वायर इज योर दिस वन दैट इज ए स्क्वायर इनटू 1 प्लस बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एन, ए एन इज योर दिस वन बी ए, अब ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो 1 बाय 2 ऊपर 1 तो ये 3 बाय 2 हो जाएगा। So this is your radius of curvature at any instant of time. अगर ये पूछ ले कि x is equal to a के ऊपर इसकी value बताओ, ये x की value a के equal हो जाए या b के equal हो जाए तो value बताओ, तो वापिस ये जो bt है इसको वापिस x put कर देंगे या t की value put कर देंगे in terms of x, क्योंकि हमने पहले कर चुके हैं, हम x is equal to कितना था हमारा at निकाल चुके हैं, t की वैल्यू वापिस x अपॉन a यहां पे पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ, ये a से a कैंसिल हो गया यहां पे, तो फाइनल r इज इक्वल टू a बाय b इनटू 1 प्लस
बी इंटू टी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स बाय ए, दैट इज एक्स बाय ए, और ये होल स्क्वायर और सारे का पावर 3/2, तो ये इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। अब स्टार्टिंग में यहां पूछ ले, यहां बताओ इस पॉइंट पे कितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर थी, तो x की वैल्यू कितनी थी, 0। ये x की वैल्यू 0 करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज a बाय b, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस इलिप्स के अंदर ये जो है, मान लिया कोई बॉडी फिक्स स्पीड से मूव कर रही है विद वेलोसिटी स्पीड v, तो उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, वो कैसे निकालेंगे। For that you must know the equation of trajectory. That you know the equation of ellipse. तो circle की equation और ellipse की equation कैसे लिखते हैं हम? Circle में तो fix distance है, जैसे ये distance fix है, ये point P है, तो ये x हो जाएगा, ये y और ये r. तो r square is equal to x square plus y square. लेकिन इलिप्स के अंदर जो है ये डायमीटर 2a है और ये 2b है, तो उसके अंदर इक्वेशन होती है x square over a square plus y square over b square is equal to 1. दिस इज इक्वेशन फॉर इलिप्स। अब इसको सॉल्व करके हम यहां पे रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे? फर्स्ट स्टेप, ये डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है एक्स वाई, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमें वी एक्स और वी वाई चाहिए, उसके बाद डबल डिफरेंशिएट करेंगे ए एक्स और ए वाई चाहिए, और फिर हम निकाल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो पहले, वन ओवर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस वन ओवर बी स्क्वायर टू वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अब इसको अगर उधर ले जाएंगे तो मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, ये माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे, और ये टू से ये टू कैंसिल, और यहां से ये आ जाएगा मेरा डी एक्स की वैल्यू, यहां से एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर वाई इंटू डी वाई। एक ये इक्वेशन आ गई, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो कोई भी। अब इसमें फर्दर जो है इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, एक्स डी एक्स। अब ये जो एक्स है इसमें एक्स वेरी करेगा, डी एक्स वेरी करेगा, तो इसका डबल डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्स एज इट इज डी एक्स का डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज इसको डी स्क्वेयर एक्स दैट इज ए एक्स, इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा ए एक्स प्लस ये डी एक्स एज इट इज और एक्स का डी एक्स, तो ये डी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। ये विद रेस्पेक्ट टू अगर टी करेंगे तो ये अपने आप जो है इसको वी एक्स स्क्वेयर लिख देंगे, अगर इसको विद रेस्पेक्ट टू टी करें हम इसको, इसको डी टी से डिवाइड कर दो इसको डी टी से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वी एक्स, तो ये होगा एक्स वी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर वाई इंटू वी वाई, इसको इस टर्म्स में लिख दो। ओके अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो x एज इट इज इसका डी है ए एक्स, फिर इसका वी एक्स एज इट इज और x का वी एक्स, तो ये आ जाएगा इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब फिर इसका करें ये इसका उसी तरह से y डी वाई, वाई एज इट इज वी वाई का डिफरेंशिएशन ए वाई एक्सेलरेशन अलोंग y नेक्स्ट स्टेप उससे प्लस वी वाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे उसी तरह से। तो इसको अगर सॉल्व करें हम, इसमें फिर कंडीशंस पुट कर देंगे हमारी। मान लिया हमें इस पॉइंट पे बताना है कि इस पॉइंट के ऊपर बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है यहाँ पे, तो इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं और इसको वाई एक्सिस, तो एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वेयर और ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन। एक्स जीरो होगा तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस बी होगी इसके अंदर यहां से, तो यहाँ पे अगर पुट करें x जीरो, अगर x की वैल्यू जीरो कर दूं मैं यहाँ पे, तो ये सारा जीरो हो जाएगा और ये आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और ये पुट करना पड़ेगा हमें, तो ये ए वाई जो है वी वाई, वी वाई की वैल्यू क्या होगी वहां पे, जब x की वैल्यू जीरो होगी तो वी वाई क्या होगा। देखो यहाँ पे बॉडी किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है विद स्पीड v, और स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है, y एक्सिस में तो है ही नहीं वेलोसिटी, तो
तो वाई एक्सिस के मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई एक्सिस में जीरो, तो वी वाई ये जीरो हो जाएगा वहां पे, दैट वी वाई विल बी जीरो। तो यहाँ पे इसको जीरो करेंगे तो ये y इंटू ए वाई, और y की वैल्यू क्या होगी यहां से प्लस माइनस b, तो दिस विल बी b इंटू ए वाई की वैल्यू एज इट इज छोड़ दो, ये आ गया और ये हमारा जीरो हो गया। अब यहां से हम एक चीज नोट कर रहे हैं, ये b से ये b कैंसिल, और एक्सेलरेशन ए वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस b अपॉन ए स्क्वेयर इंटू वी एक्स स्क्वेयर, ये आ गया। अब ये vx की वैल्यू निकालनी है हमें इन टर्म्स ऑफ v, क्योंकि हमें v दिया हुआ है कांस्टेंट स्पीड v, इन टर्म्स ऑफ v निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें ये पता है vx vy, लेकिन v जो होता है दैट इज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर अंडर द रूट होता है, और ये जो vy है हमारा ये जीरो था ही, अभी पुट किया था, ये इसके पैरेलल होगी तो vy जीरो, तो vy जीरो पुट करेंगे तो v किसके बराबर आएगा vx, तो यहाँ पे vx पुट कर दो तो ay इज इक्वल टू माइनस b ओवर a स्क्वायर इनटू v स्क्वायर, क्लियर। तो इस पॉइंट के ऊपर जब ये बॉडी ऐसे जा रही है तो इसका एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको कहेंगे वो y एक्सिस के अलोंग होगा, और वो y एक्सिस के अलोंग होगा तो फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर का वही फॉर्मूला फिर सीधा a सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, तो इस a की जगह हमारे पास क्या है ये टर्म्स है हमारी, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है ये सेंटर की तरफ है इसलिए, तो इसको मैं b अपॉन a स्क्वायर इनटू v स्क्वायर, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल एंड दैट r विल बी इक्वल टू a स्क्वायर बाय b, ये हमारा आंसर आ गया। तो इलिप्स के ऊपर से कोई बॉडी फिक्स स्पीड से मूव कर रही है तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगी, और यहाँ पे पूछ ले तो ऑटोमेटिक इससे ज्यादा होगी या कम होगी, ऑटोमेटिक यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी क्योंकि ज्यादा बेंडिंग है यहाँ पे, यहाँ बेंडिंग कम है रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी, एंड यू कैन ट्राई फॉर दिस सेकेंड पार्ट, इस सेकेंड पार्ट के लिए ट्राई करेंगे तो यहां से चेंज होएगा हमारा एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे उस केस में दैट इज प्लस माइनस ए, उस केस में एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ये सारा प्रोसीड करेंगे तो उससे रिवर्स हो जाएगी, उसमें जो है ये इसका अपोजिट आएगा दैट मे बी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इनकी जो रेशो अगर पूछ ले मान लिया इस पे और इस पे रेशो तो वो किस टर्म्स में निकाल लेंगे वो भी निकाल सकते हैं आर वन बाय आर टू, वो क्यूब की फॉर्म में आएंगे। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ टिपिकल प्रॉब्लम इफ वी कीप इन माइंड द डिफरेंट डिवीजन ऑफ द सिस्टम इनटू टू पार्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस अलग डील करो वाई एक्सिस अलग, और उनके में जो रिलेशन है आपस में उसको सॉल्व करो एंड यूज दैट थ्री स्टेप मेथड। थैंक यू।